वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये हैं उनके नाम जिन्होंने पिछले पोके क्विज का आंसर दिया था, जैसे कि मैंने कहा था। तो अब बात करते हैं आप सबके पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल कि पोकेमोन की लव जर्नी कब स्टार्ट होगी। तो यार देखो, पोकेमोन की लव जर्नी मैं चाहूँ तो कभी भी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन जो व्यूज हैं वो आ नहीं रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही नहीं है। मतलब वीडियो को फुल वॉच कोई करता नहीं है, और अगर करता है तो लाइक सब्सक्राइबर कमेंट नहीं करता है, जिस वजह से यूट्यूब इस वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादा लोगों को भेजता नहीं है। तो अब आप ही बताओ कि मैं बिना सपोर्ट के वीडियोस बना, क्योंकि मेरा अभी 12th बोर्ड भी है, इसलिए मेरे को पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर 50 लाइक्स, 10 कमेंट्स और 3K प्लस व्यूज पूरा कर देते हो तो मैं एक हफ्ते के अंदर लव जर्नी का एपिसोड अपलोड कर दूंगा। स्टार्ट करने जा रहे हैं लूला का एपिसोड नंबर 11। तो ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से खत्म हुआ था। मतलब ऐश आसमान में देख रहा था और टापू कोको को चैलेंज करने के लिए बात कर रहा था। तब पर प्रोफेसर कुकुई आते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ पिकाचू से ही जी मूव इस्तेमाल करना सिखाओगे और किसी पोकेमोन को नहीं? तो ऐश इस पर पूछता है क्या मतलब। तो कुकुई बोलते हैं कि जो ड्राउलेट है वो भी जी मूव परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास टैकल अटैक है जो कि नॉर्मल टाइप का होता है। तो ये सुनकर ऐश राउलेट को बाहर निकालता है और इस्तेमाल करता है टैकल अटैक का जी मूव, जो कि इतना पावरफुल होता है कि जो राउलेट होता है वो चीरते हुए चला जाता है। जो राउलेट है उसकी स्टैमिना काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो इस पे कुकुई कहते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि राउलेट ने ये पहली बार परफॉर्म किया है और ये मूव काफी पावरफुल होते हैं। अगर तुम राउलेट के साथ डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये राउलेट को इसकी हैबिट पड़ जाएगी। राउलेट को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है ताकि वो रेस्ट कर सके। तभी पिकाचू को आसमान में एक चारिज़ार्ड दिखता है जिस पर कि किवावे होता है। तो इसके लिए ऐश जो है किवावे को हाथ दिखाता है और नीचे बुलाता है। तो किवावे नीचे आ जाता है और हमें पता चलता है कि किवावे अपने फार्म के लिए, जो कि मोमो मिल्क सप्लाई करता है, उसकी डिलीवरी करने गया होता है। तो फिर तो ऐश तो यही एडवेंचर करने में तेज, तो इसके लिए वो कुकुई से कहता है कि क्या मैं भी किवावे के साथ जा सकता हूँ प्रोफेसर? कुकुई कहते हैं कि जा तो सकते हो, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या? तो वो कहता है कि क्योंकि किवावे के पास भी जी क्रिस्टल है तो मैं उसके साथ ही ट्रेनिंग कर लूंगा। तो इसके लिए कुकुई हाँ कह देते हैं और अपना पेलीपर्ट दे देते हैं ऐश को, ताकि वो किवावे की मदद भी कर पाए डिलीवरी करते टाइम। कि ऐश और किवावे निकल जाते हैं अपने अपने पोकेमॉन्स पर बैठकर और वो लोग आसमान में बड़े मजे से जा रहे होते हैं। फिर ऐश और किवावे मिलकर सभी जगह डिलीवरी कर देते हैं और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि किवावे इक्के के पास जाता है, जो कि किवावे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि ये देखो। ऐश कहता है ये तो राउलेट का केक है। तो लड़का बताता है कि हाँ, मुझे कल अपनी मॉम को बर्थडे पे सरप्राइज देना है, इसके लिए मुझे किवावे के मोमो मिल्क की जरूरत पड़ेगी, तुम जल्दी आ सकते हो कल किवावे? तो इस पर किवावे कहता है हाँ क्यों नहीं। किवावे और ऐश निकल जाते हैं अकाला आइलैंड यानी किवावे के फार्म की तरफ। वहाँ पर ऐश को बहुत सारे टोरोस, मिल्क टैंक और एक नया पोकेमोन जो कि डंकी टाइप का होता है, जिसका नाम मडब्रे होता है। तो ऐश इन सबको देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी हम क्या देखते हैं कि जो एक मडब्रे रहता है उसकी नाक में घास घुस जाता है, जिसकी वजह से वो सड़क कीचड़ ऐश के ऊपर थूक देता है, जिससे कि ऐश का मुंह पूरा गंदा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश को कोई टॉवल देता है और ये होती हैं किवावे की मॉम, जिनका नाम अमारा या फिर हिंदी में सीमा बताया गया है। किवावे की मॉम होती हैं, वो ऐश से पूछती हैं क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? आइसक्रीम का नाम सुनते ही ऐश तो मदहोश हो जाता है और वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद जो किवावे की मॉम रहती है वो किवावे के डैड यानी रेंगो को आवाज लगाती है कि जल्दी से एक सबसे टेस्टी आइसक्रीम ले आओ। तो रेंगो बहुत तेजी में आइसक्रीम और अपना विजिटिंग कार्ड लेकर आए रहते हैं, लेकिन जो ऐश होता है वो उनके विजिटिंग कार्ड को छोड़ के आइसक्रीम खाने में व्यस्त हो जाता है। तो किवावे हंसते हुए कहता है कि जब इसे आइसक्रीम मिलता है तो ये सब कुछ भूल जाता है। तो ऐश आइसक्रीम खा रहा होता है, तभी हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो आकर उधर ले जा रही होती है। तभी किवावे तेजी में जाता है, उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ये सब काम मत किया करो। हमें पता चलता है कि ये किवावे की छोटी बहन होती है जिसका नाम मोमो होता है। कहता है किवावे मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो इस पे किवावे की मॉम ऐश को कपड़े साफ करने वाला दे देती है जिससे कि वो मडब्रे को नहला सके। तो किवावे ऐश को सिखाता है कि मडब्रे को प्यार से नहलाया जाता है। तो ऐश तो पहले आराम से कर रहा होता है, लेकिन तभी गलती से मडब्रे के पूछ में अटक जाता है, जिससे मडब्रे को दिक्कत होती है और वो ऐश को दुलत्ती मार देता है, जिससे ऐश बहुत दूर जाके गिर जाता है। ऐश तो बड़ी मुश्किल से मडब्रे को साफ करता है। तो किवावे कहता है तुमने एक साफ किया, अभी 50 और बाकी है। ये सुनकर ऐश वहीं पर लेट जाता है। फिर किवावे कहता है कि अभी इन्हें साफ करने के बाद हमें इनके घर को भी साफ करना होगा। तो हम देखते हैं कि वो लोग फार्म को भी साफ कर देते हैं जहाँ पे कि मडब्रे। फिर यहाँ पर ऐश और पिकाचू भी आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ऐश को बाहर से किवावे के प्रैक्टिस करने की आवाज आती है। तो वो चला जाता है, जी मूव की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ऐश कहता है तुम अभी क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? तो वो कहता है कि ऐश भी कहता है कि चलो तब फाइट ही कर लिया जाए। किवावे कहता है कि नहीं, हमें सुबह उस लड़के को मिल्क भी पहुंचाना है ताकि वो मॉम को अपना सरप्राइज दे सके, तो कल हमें जल्दी उठना पड़ेगा। तो ऐश कहता है ठीक है,
हम लोग जल्दी कल जरूर उठ जाएंगे। उसके बाद सुबह का समय हो जाता है और ऐश और किवाबे अपने अपने सामान को लोड कर रहे होते हैं। मो रहती है किवाबे की छोटी बहन, वो सामान उठा रही होती है, तो किवाबे जाता है और उससे छीन कर पिकाचू के पूंछ पर रख देता है। फिर सबको पता ही है, पिकाचू सबको बिजली का झटका दे देता है। बाद वो दोनों निकल जाते हैं डिलीवरी के लिए, लेकिन रास्ते में ही पैलीपट के ऊपर कोई अटैक जाके लगता है, जिससे कि वो डैमेज हो जाती है और नीचे गिर जाती है। किवाबे भी उसके पास जाता है और वहाँ पर वो देखते हैं टीम स्कल को, जिन्हें देखकर किवाबे को तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो फिर वो कहता है तुम हमें सबक कैसे सिखाओगे, तुम्हारे पास तो अभी जी क्रिस्टल है ही नहीं। तो फिर किवाबे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मुझे ही जी मूव इस्तेमाल करना आता है, ऐश अपना जलवा दिखाओ। ये सुनते ही अपना जी मूव इस्तेमाल करता है पिकाचू के साथ और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि टीम स्कल डर के वहाँ से भाग जाती है और वो कहती है कि हम तुमसे अपना बदला लेके रहेंगे। अबे और ऐश जाकर उस बच्चे को मिल्क दे देते हैं, जिससे कि वो अपने मॉम के लिए केक बनाकर उन्हें सरप्राइज देता है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो किवाबे और ऐश से कहता है क्या जब तक हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं तब तक तुम लोग बैटल करके हमें एंटरटेन कर सकते हो। किवाबे और ऐश कहते हैं क्यों नहीं, बिल्कुल। फिर हम देखते हैं टीम रॉकेट को, जो कि बीवर के साथ बड़े आराम से सो रही होती है। ऐसा लग रहा है कि इनके पास पिकाचू चुराने का काम इन्होंने छोड़ दिया है। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड और लव जर्नी एपिसोड चाहिए तो फटाफट एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, और जो लाइक एम है उसे जरूर से पूरा कर देना। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।